तो क्या हाल चाल है दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप किस प्रकार से घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस को कैसे बना सकते हो। आज के इस वीडियो को बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहना और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो सबसे पहले आप लोग अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में किसी भी ब्राउजर को ओपन करके आपको यहाँ पर टाइप करना होगा एम परिवहन, और इसके बाद में आपको यहाँ पर सर्च कर देना होगा। सर्च करने के बाद में आपको यहाँ पर सेकेंड नंबर पर एक वेबसाइट देखने के लिए मिल जाती है, यहाँ पर लिखा हुआ है होम परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। तो आपको यहाँ पर इसी वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना होगा। इसके बाद में आपके सामने को इस प्रकार इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है वेबसाइट का। इसके बाद में आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे आना होगा, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा ड्राइवर्स लर्नर लाइसेंस। तो आपको यहाँ पर मोर का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, आपको यहाँ पर मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने को इस प्रकार से इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। आपको यहाँ पर जो भी आपका स्टेट है उस स्टेट को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे कि मैं यूपी से, तो यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट कर लेने वाला हूँ। जो भी आपका स्टेट होता है आपको यहाँ पर अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप लोग यहाँ पर स्टेट को सेलेक्ट करोगे फिर से आपके सामने को इस प्रकार से इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। अब आपको यहाँ पर स्किप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा फर्स्ट नंबर पर अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस। तो आपको यहाँ पर इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने को इस प्रकार से ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर सबमिट बाय आधार ऑथेंटिकेशन इसको सेलेक्ट करना है। फिर से आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपके सामने को इस प्रकार से एक फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर आधार नंबर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, आपको यहाँ पर अपने आधार नंबर को टाइप करना होगा और इसके बाद में आपको यहाँ पर जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप लोग यहाँ पर आधार नंबर को टाइप करके जनरेट ओटीपी पर क्लिक करोगे तो आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा जिसको आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। ओटीपी को टाइप करने के बाद में आपको यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा और आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद में फिर से आपके सामने लोडिंग चलेगी और लोडिंग कंप्लीट होने के बाद में आपके सामने को इस प्रकार से आधार कार्ड की सारी डिटेल्स शो हो जाएंगी। जो भी आपके आधार कार्ड में नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, जो भी एड्रेस है वो शो हो जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने को इस प्रकार से एक फॉर्म ओपन होकर आ जाता है और आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं ऊपर की तरफ में ओके और कैंसिल। तो आपको यहाँ पर ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब आपको यहाँ पर इस वाले फॉर्म को फिल करना होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लेस ऑफ बर्थ, तो आपको यहाँ पर उस सिटी का नाम लिख देना होगा जिस सिटी में आपका बर्थ हुआ है। इसके बाद में आपको यहाँ पर लिखा मिला है क्वालिफिकेशन सेकंड नंबर पर, तो आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी होगी। क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा ईमेल, तो आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी भी टाइप कर देनी होगी। इसके बाद में आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर टाइप करना होगा जो कि आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है। इसके बाद में आपको यहाँ पर लिखा मिला है आइडेंटिफिकेशन मार्क 1। अगर आपके बॉडी पर कोई भी तिल या किसी भी प्रकार का निशान है तो आप लोग यहाँ पर बता सकते हो। अगर आप नहीं बताना चाहते तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। तो हमारी पर्सनल डिटेल्स है वो फिल हो जाती है। इसके बाद में आपको यहाँ पर एड्रेस फिल करना होगा। तो एड्रेस फिल किस प्रकार से करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ एड्रेस तो आपके आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हो रहा है लेकिन कुछ एड्रेस आपको मैनुअली फिल करना होगा। तो आपको यहाँ पर तहसील लिखा मिल रहा है, तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर अपनी तहसील सेलेक्ट करनी होगी। इसी के साथ ही आपको यहाँ पर विलेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने विलेज को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में अगर आपका परमानेंट एड्रेस और जो आपका प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम होते हैं तो आपको यहाँ पर सेम एज प्रेजेंट एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर लिखा मिल रहा है ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट प्रेजेंट एड्रेस, तब आपको यहाँ पर अपनी एज को टाइप करना होगा। यानी कि अगर आप 18 साल के तो आपको यहाँ पर 18 टाइप करना होगा, अगर आप 19 साल के तो आपको यहाँ पर 19 टाइप करना होगा। यानी कि हमें 19 साल हो चुके हैं इस एड्रेस पर रहते हुए, तब मैंने यहाँ पर 19 टाइप कर दिया। इसके बाद में आपको यहाँ पर मंथ में 0 टाइप कर देना है और अब आपको यहाँ पर नीचे की तरफ में व्हीकल्स को सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं 2 व्हीलर के साथ साथ 4 व्हीलर का भी लाइसेंस अप्लाई करने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट वन जो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा आप लोगों को मोटरसाइकिल विद गियर, आपको यहाँ पर नॉन गियर वाला सेलेक्ट नहीं करना है, आपको यहाँ पर विद गियर वाला सेलेक्ट करना है। और इसके बाद में आपको यहाँ पर एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद में अगर आपको 4 व्हीलर का भी बनाना है तो आपको यहाँ पर लाइट मोटर व्हीकल को भी सेलेक्ट करना होगा और इसके बाद फिर से आपको यहाँ पर एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ मोटरसाइकिल विद गियर। इसके बाद में फिर से एरो पर क्लिक करेंगे तो हमारे जो मोटरसाइकिल वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट हो जाता है। इसके बाद में आपको यहाँ पर लाइट मोटर व्हीकल वाला सेलेक्ट करना है, फिर से आपको यहाँ पर एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे मोटरसाइकिल विद गियर ये भी सेलेक्ट हो जाता है। इसके बाद में हमारे 4 व्हीलर लाइट मोटर व्हीकल ये भी सेलेक्ट हो जाता है। तो हमारे दोनों व्हीकल यहाँ पर सेलेक्ट हो चुके हैं, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर। इसके बाद में आपके यहाँ पर नीचे की तरफ पूछा जाता है कि आपने कभी पहले भी लाइसेंस को अप्लाई किया था जो कि हमारी तरफ से कैंसिल हुआ था, तो आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करना है, यानी कि आपको यहाँ पर टिक नहीं करना है। अगर आपने पहले अप्लाई किया था और कैंसिल हुआ है तो आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है इज द एप्लीकेंट ट्रेंड फ्रॉम ड्राइविंग स्कूल, अगर आपने ड्राइविंग स्कूल से सीखा है
ड्राइविंग तो आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। अगर आपने ड्राइविंग स्कूल से नहीं सीखा है तो आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना है। तो हमने नहीं सीखा है तो हम इस वाले ऑप्शन को ऐसे ही रहने देते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन देना है, तो आपको यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने को इस प्रकार से बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। जिस प्रकार से यहाँ पर मैं ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, आपको भी कुछ इस प्रकार से इनको सिलेक्ट कर लेना होगा। ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर आई हैव यू डिक्लेयर वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, यानी कि कॉलम देखने के लिए मिलेगा। आपको इसको सिलेक्ट करना है और इसके बाद में आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर लिखा आ जाएगा सेल्फ डिक्लेरेशन एज द फिजिकल फिटनेस हैज बीन सबमिट सक्सेसफुली, तो आपको यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि अगर आपका एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो आप अपने ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहते हो कि नहीं, तो आपको यहाँ पर नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे की तरफ में जो कैप्चा देखने के लिए मिल रहा है, आपको यहाँ पर कैप्चा वाले ऑप्शन में कैप्चा को टाइप करना है, आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करने के लिए बोला जाएगा, तो फिर से आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग ओके पर क्लिक कर दोगे फिर से आपको यहाँ पर ओके करने के लिए बोला जाएगा। तो जैसे आप लोग यहाँ पर दोबारा से ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है और आपको यहाँ पर थर्ड टाइम फिर से ओके करना होगा। जैसे आप लोग यहाँ पर थर्ड टाइम ओके करोगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो एप्लीकेशन नंबर है वो मिल चुका है हमें। इसके बाद में आपको यहाँ पर एक जरूरी काम करना है, जो आपके सामने पेज आ रखा है एप्लीकेशन नंबर का, इस पेज का आपको अपने फ़ोन में एक फ़ोटो क्लिक कर लेना है, या फिर आप लोग इस एप्लीकेशन नंबर को नोट भी कर सकते हो। इसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे की तरफ में नेक्स्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, आप लोगों को यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने आपका एप्लीकेशन नंबर साथ ही आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देखने के लिए मिल जाएगी। इसके बाद में आपको यहाँ पर दोबारा से कैप्चा को फिल करना होगा और फिर से आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने फिर से न्यू पेज देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर अपने फोटो सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, तो आपको यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, तो आपको यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो आपके सामने यहाँ पर सिग्नेचर और फोटो अपलोड करने के दोनों ऑप्शन शो हो जाते हैं। अगर आप अपने फोटो चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पर फोटो भी चेंज कर सकते हो। अगर फोटो नहीं चेंज करना है तो आप यहाँ पर जो फोटो वाला ऑप्शन है इसको ऐसे ही रहने देना है, लेकिन आपको यहाँ पर सिग्नेचर जरूर से अपलोड करने होंगे। तो आपको यहाँ पर जो सिग्नेचर अपलोड करने होंगे उससे पहले आप लोगों को यहाँ पर जो सिग्नेचर का जो साइज है उसको भी ध्यान में रखना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है सिग्नेचर डायमेंशन, तो आपको यहाँ पर इसी साइज में अपने सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। अगर आप लोगों ने अपने सिग्नेचर को रिसाइज कर लिया है, इसके बाद में उनको अपलोड कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है अपलोड सिग्नेचर, इसके राइट साइड में आप देख सकते हो लिखा हुआ ब्राउज, तो आपको हमें ब्राउज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो आप लोगों को अपने सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेना होगा जिस फोल्डर में आपने सिग्नेचर को सेव करके रखा है। इसके बाद में आपके यहाँ पर नीचे की तरफ में लिखा मिलेगा अपलोड एंड व्यू फाइल्स, तो आपको यहाँ पर इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे सिग्नेचर वो अपलोड हो जाते हैं, हमारे यहाँ पर शो भी हो चुके हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर ओके का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, तो आपके यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो फिर से आपके सामने यहाँ पर नीचे की तरफ में लिखा आ जाएगा अपडेटेड सक्सेसफुली, तो हमारे सिग्नेचर वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुके हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर राइट साइड में नेक्स्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग यहाँ पर दोबारा से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो फिर से आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और साथ ही आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देखने के लिए मिल जाती है। फिर से आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना होगा और दोबारा से आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो अब आप लोगों को यहाँ पर फीस पेमेंट करनी होगी, तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे फोटो है और सो सिग्नेचर वो तो अपलोड हो चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ पर फीस पेमेंट बची है, तो आप लोगों का फीस भी पे करनी होगी। तो फीस पे करने के लिए आपको यहाँ पर प्रोसीड वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, तो आपको यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो अभी फीस कटने वाली है, यानी कि पे होने वाली है, 350 रुपये होने वाली है, जिसमें आपके 50 रुपये तो आपके एल टेस्ट के होने वाले हैं, साथ ही आपके यहाँ पर 300 रुपये आपके मोटर व्हीकल और साथ ही आपके यहाँ पर टू व्हीलर के होने वाले हैं, यानी कि टोटल मिलकर के 350 रुपये आपके यहाँ पर फीस पे होने वाली है। तो इसको पे करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है बैंक गेटवे, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा कॉमन PGI, तो आपको यहाँ पर इसी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर जो कैप्चा दे रखा है इस कैप्चा को आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। इसके बाद में आपको यहाँ पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब आप लोगों को यहाँ पर आई एग्री का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, तो आपको यहाँ पर आई एग्री वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने को इस प्रकार इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पर SBI मल्टीपल बैंक पेमेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और इसके बाद में आपको यहाँ पर
आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन को सिलेक्ट करना होगा, और इसके बाद में आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपने डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से फीस पेमेंट करनी होगी। अगर आपके पास में SBI डेबिट कार्ड है तो आपको यहाँ पर SBI बैंक डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। अगर आपके पास में किसी अदर बैंक का डेबिट कार्ड है तो आपको यहाँ पर अदर बैंक डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन को चूज करना होगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने वाले तो आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन को चूज करना होगा। मेरे पास है PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक का डेबिट कार्ड है, तो यहाँ पर मैं अदर बैंक डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर अपने डेबिट कार्ड पर जो भी नाम लिखा हुआ है आपका, उस नाम को आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। फर्स्ट नंबर में, सेकंड वाले में आपको यहाँ पर कार्ड नंबर, थर्ड वाले में एक्सपायरी डेट, और जहाँ पर लिखा हुआ है CVV ये आपको यहाँ पर कार्ड के पीछे मिलेगा, तो आपको यहाँ पर टाइप कर देना होगी सारी डिटेल्स को। इसके बाद में आपको यहाँ पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से लोडिंग चलेगा। लोडिंग कंप्लीट होने के बाद में आपके बैंक अकाउंट के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर टाइप करना होगा, और टाइप करने के बाद में आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद में आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली 350 रुपये कट हो जाएंगे, और आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज देखने के लिए मिल जाएगा। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना है, ये जो पेज है ऑटोमेटिकली रीलोड होगा, और आप रीलोड होने के बाद में आपके सामने को इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड करनी होगी, तो पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर लिखा मिल रहा है क्लिक हेयर फॉर प्रिंट रिसिप्ट, तो आपको यहाँ पर इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और अब आपको यहाँ पर इस कैप्चा को फिल करके गेट डिटेल्स वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, और इसके बाद में फिर से आपको यहाँ पर कैप्चा टाइप करके प्रिंट रिसिप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद में आपको यहाँ पर होम का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, तो आपको यहाँ पर होम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो हमारा जो लर्निंग लाइसेंस है वो अप्लाई हो जाता है। अब आपको यहाँ पर LL टेस्ट देना होगा यानी कि एग्जाम देना होगा, तो हमारा 24 से 48 घंटे बाद होता है। तो आपको किस प्रकार से करना है उसकी वीडियो बना करके मैं अपलोड कर दूंगा, उसके लिंक आपको कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको